हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आज, इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक सबसे नई टर्म आपके लिए और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आपके बोर्ड्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उससे रिलेटेड हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे ड्यू टू एक्सियल पॉइंट एंड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट, वो दोनों में से ये मान के चलो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबने आज क्या करना है, बहुत अच्छे से देखनी है वीडियो, ओके। और साथ ही साथ आपको एक और बार इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। लास्ट में हम लोग आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में डालना है, ओके। लेट अस स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉपिक है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबके दिमाग में, जिसने भी लास्ट वीडियोस देख ली है, सबके दिमाग में कुछ कुछ बातें अपने आप से आने लगी होगी। क्या बातें आई देखिए। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक है मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, वेरी गुड। पोल्स बोला, पोल्स मतलब पोलैरिटी बोल दी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बोल दिए, मतलब बात किसके बारे में करेंगे, चार्जेस के बारे में, वेरी गुड। लास्ट वीडियो में जब हमने देखा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना। जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लीज आई बटन भी क्लिक कीजिए, वहां पर आपको वीडियोस दिखेगी, उसमें आपने क्या देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्योंकि वहां आपको सिखाया जाएगा कि अगर दो तरह की चार्जेस है तो किस तरह से हमारे पास क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्रिएट हो रही है, जिसको आज हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या पढ़ा था उसमें हमने, कि अगर मेरे पास दो चार्जेस है इक्वल एंड अपोजिट तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होगी, ठीक है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, डाई मतलब दो, तो बात कहां पे घूम फिर के आ गई। अगर हमारे पास पेयर है किसका, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, क्या है हमारे पास पेयर है किसका, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इस पेयर को, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के पेयर को, विच आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जो एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जो एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस अभी हम लोग लेके चल रहे हैं, एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस से जो क्या है हमारे पास सेपरेटेड है, उस पूरे सिस्टम को हम एक नाम दे रहे हैं। और क्या नाम है उसका, डाइपोल, या फिर हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी तो बोल दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो क्या, डाइपोल है ना, तो क्या बोला आपने मेन थिंग, डाइपोल का मतलब अगर आपको अब समझाना है तो डाइपोल इज व्हाट, क्या है डाइपोल। डाइपोल हमारे पास क्या है, इफ वी हैव अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, हमारे पास एक पेयर है इक्वल और अपोजिट चार्जेस का, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, और वो एक स्मॉल छोटा छोटा बिल्कुल छोटा माइक्रो माइक्रो वाला कहते हैं ना हम लोग, माइक्रो डिस्टेंस है, बहुत कम डिस्टेंस है, बहुत पास पास है, तो बहुत पास पास वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। तो हमारे क्या बोल दिया कि दो पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, तो उसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इट इज अ पेयर ऑफ, किसका पेयर है, पेयर बना रहे हैं किसका बना रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, इक्वल है अपोजिट है चार्जेस है, ठीक है, पेयर बना दिया इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेट हो रहा है वो एक स्मॉल डिस्टेंस है, आपने ये चीज मेंशन करनी है, स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस से जो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट हो रहा है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक पूरा सिस्टम हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें चार्जेस है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इनके बीच का डिस्टेंस, और ये क्या है इनका सेंटर, क्या है इनका सेंटर। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सेंटर से लेके माइनस क्यू के डिस्टेंस को ए मान लिया, क्योंकि सेम होगा, ये भी क्या होगा ए,
तो जो हमारा डी है डिस्टेंस वो किसके इक्वल होता है, टू ए। क्या ले लिया, ए की जगह आप एक्स ले लो, वाई ले लो, वो आपकी मर्जी, ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई ए ही लेना है, ठीक है। तो डी इक्वल्स टू, डी इज अ डिस्टेंस किसके बीच का, चार्जेस के बीच का, तो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हम एक नाम दे रहे हैं क्या, टू ए। क्या नाम दे रहे हैं, टू ए। टू ए इज व्हाट, इट इज अ लेंथ ऑफ डाइपोल। पोज देखिए, साथ साथ नोट्स बनाएंगे, अपने नोट्स तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने नोट्स बना लिए तो मतलब पेपर की आधे से ज्यादा तैयारी तो बहुत जल्दी से हो जाएगी, ठीक है। तो d इक्वल्स टू क्या है, 2a, दैट इज लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो डाइपोल का मीन मतलब क्या है, एक सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, एंड स्मॉल डिस्टेंस कितना है आपके पास, 2a है। अब क्या बात है, इस पूरे डाइपोल को, डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास एक नया चीज आ जाती है, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। क्या चीज आ गई, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, उस डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइपोल मूवमेंट देखने से पहले हमने एक बात बोली कि ओ पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे रहे थे, ओ इज व्हाट, सेंटर ऑफ द डाइपोल। अगर आपसे कोई बोले कि इस डाइपोल के ऊपर चार्ज कितना है, इस डाइपोल पे चार्ज कितना है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मेन मतलब है चार्ज डाइपोल पे जीरो है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू जीरो। ऐसा नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कुछ ना कुछ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, ठीक है। तो अब उसको मेजर करने के लिए जो हमारी नई टर्म आई, उसका हमने नाम रख दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, या फिर हमने उसका नाम रख दिया डाइपोल मूवमेंट। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, डाइपोल मूवमेंट, या फिर हम इसका नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई ना कोई इसका फॉर्मूला है, कोई ना कोई इसकी यूनिट है ना। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, जो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल समझ आ गया सबको क्या है, दो चार्जेस, दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस, उस पूरे को सिस्टम को नाम दे दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब क्या बोला मेन थिंग, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, है ना। तो इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कौन आया हमारे पास, यस, हमारे पास कौन आ गया, डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या फिर डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, इस स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास कौन आ गया, डाइपोल मूवमेंट आ गया। अब फिजिकल यूनिट फिजिकल है, फिजिकल क्वांटिटी की हमेशा क्या होता है, एक सिंबल होता है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका सिंबल हमारे पास क्या आता है, इसका सिंबल होता है हमारे पास स्मॉल पी। डाइपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी। एंड डाइपोल मूवमेंट निकालते कैसे, आपने ये तो बता दिया, डाइपोल मूवमेंट स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल कैलकुलेट करिए, पर डाइपोल मूवमेंट निकालता क्या है, तो डाइपोल मूवमेंट हमारे पास क्या करता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, आइदर चार्ज, आइदर चार्ज का मतलब क्या, आप ये चार्ज ले लो चाहे आपके पास ये चार्ज ले लो, डिफरेंस क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। तो हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोडक्ट ऑफ क्या है, डाइपोल मूवमेंट आपके पास प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, इन दोनों चार्ज में से एक चार्ज आपने उठा लिया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच के डिस्टेंस को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो नई चीज आती है उस नई चीज का नाम क्या है, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है, आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट डिनोटेड बाय पी, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डाइपोल मूवमेंट। अब बताइए आपने, ठीक है बता दिया ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो ये हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। P डाइपोल मूवमेंट कौन सी क्वांटिटी है, ये आपके पास वेक्टर, मतलब क्या है यार, ये क्या दे रहा है आपको,
उसका मैग्नीट्यूड भी एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी, दोनों को क्या कर रहा है बहुत अच्छे से बता रहा है, तो इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया पी इक्वल्स टू क्यू इंटू टू ए, आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। वेरी गुड। तो अब क्या आया इसके बाद हमारे पास, इसकी यूनिट क्या होगी। कोई भी क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले ये दो चार चीजें पढ़ते हैं उसके बारे में, भाई उसको डिनोट क्या करते हैं, उसको निक नेम क्या है, छोटो सा नाम क्या बुलाते हैं उसको प्यार से। तो प्यार से डाइपोल मोमेंट को क्या बुलाओगे, पी। क्या बुलाएंगे, पी। फॉर्मूला क्या हो जाता है उसका, क्यू इंटू टू है। ठीक है, क्वांटिटी का पहले छोटो सा नाम सुना, फिर उसको देखा उसका फॉर्मूला क्या है, मतलब उसकी टिपिकल चीज देख ली, फिर हमने क्या देखा उसकी यूनिट क्या है। तो यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट कूलम। वेरी गुड, चार्ज की यूनिट कूलम। डिस्टेंस की यूनिट सबको पता है तो छोटी सी बात है कूलम मीटर। तो ये डाइपोल मोमेंट की हमारे पास यूनिट हो गई क्या, कूलम मीटर। क्या हो गई, कूलम मीटर। सीजीएस पूछे तो सीजीएस क्या होगी, स्टैट कूलम। मीटर्स की सेंटीमीटर, तो अगर सीजीएस यूनिट पूछे तो हो जाएगी स्टैट कूलम सेंटीमीटर, अदरवाइज क्या हो गई, कूलम मीटर। ये क्या था आपके पास, डाइपोल मूवमेंट। अब हमने कहा ठीक है, आपने हमें कहा था कि ये तो वेक्टर है, वेक्टर है, आपने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन तो बताया ही नहीं। तो डाइपोल मूवमेंट जो है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या, नेगेटिव टू पॉजिटिव। कैसे आई, तो नेगेटिव वाला हमारे पास क्या करता है, नेगेटिव चार्ज रेडली इनवर्ड्स, पॉजिटिव वाला रेडली आउटवर्ड्स। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह देते हैं, डाइपोल मोमेंट की एक डायरेक्शन है और वो डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके देन, तो यहां से सबसे चीज क्या आई, हमारा जो बोर्ड है उसका कुछ ना कुछ फेवरेट भी होता है ना, तो बोर्ड्स का एक फेवरेट चीज यहाँ से क्या आती है कि बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। ये क्या क्वेश्चन है, ये तो हम एक ही मिनट में बता देंगे, पर वो ऐसा नहीं पूछ रहे हैं आपसे, क्या पूछ रहे हैं, आइडियल डाइपोल क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को उसने इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पूछा, क्या पूछ लिया आपसे, आइडियल डाइपोल किसे बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल डाइपोल। ठीक है, तो क्या बोला उसने, आइडियल डाइपोल हमारे पास क्या होता है, क्या होता है, अगर आपका क्यू बहुत बड़ा है, मतलब चार्ज बहुत बड़ा है और डिस्टेंस बहुत छोटा 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 सा है, डिस्टेंस बहुत छोटा और चार्ज बहुत बड़ा, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, आइडियल डाइपोल। वेरी गुड, कहीं सही जा रहे हैं सब लोग। क्या है आइडियल डाइपोल, जिसमें क्यू जो है बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा किससे, हमारे छोटू से डिस्टेंस से। छोटू सा डिस्टेंस क्या था, 2a। ठीक है, वो पहले ही छोटा था, अब हम कह रहे हैं उसको और छोटा और छोटा और छोटा किया, और छोटा करने के बाद जब हमारे पास q बड़ा हो गया बहुत ज्यादा और 2a छोटा हो गया, डिस्टेंस छोटा हो गया, तो उस टाइम पे उस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, आइडियल डाइपोल, या फिर इसको दूसरी तरह बोल देते हैं पॉइंट डाइपोल। बोलते दोनों है, पर आपका जो बोर्ड है वो क्या ज्यादा पूछता है आपसे, आइडियल डाइपोल। तो क्या है आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल हमारे पास ये है, इफ चार्ज इज बिकमिंग ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन देम। देन अब एक चीज क्या आती है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी कुछ ना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है क्या, तो हम कहते हैं यस भाई, फिजिक्स ना सिग्निफिकेंस के बिना तो कुछ दे ही नहीं रहा है। तो इसने क्या बताया हमें, इसने कहा कि आप जो पढ़ रहे हैं ना मैटर के बारे में, मैटर में पढ़ रहे हो एटम्स है मॉलिक्यूल्स है, तो जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है, अगर उनका क्या सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव का और नेगेटिव का कोइंसाइड कर देता है, कोइंसाइड मतलब सेम ही जगह पे आ जाता है, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और अगर वो कोइंसाइड नहीं करता है, वो अलग अलग है, तो उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या नाम दे देते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। दो तरह के हमारे पास मॉलिक्यूल बना दिए, एक का नाम क्या रख दिया, नॉन पोलर, और एक का नाम हमारे पास क्या रख दिया, पोलर।
तो क्या बोला, सेंटर ऑफ मास ऑफ, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, अगर कोइंसाइड कर देता है तो उसको बोल देते हैं नॉन पोलर, अगर कोइंसाइड पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड, अगर कोइंसाइड नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, पोलर, पोलर मतलब आयनिक, आयनिक मतलब जिसमें आयन्स होंगे अलग अलग तरह से हमें विजिबल होंगे, और जिसमें नहीं हो रहे वो क्या हो जाएगा आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम जो देखेंगे वो क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ पे, डाइपोल की वजह से ऑन द एक्सिस, जो कि आपका भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके करें स्टार्ट, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके बारे में अभी आपने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक पेयर है इक्वल और अपोजिट चार्जेस का, है ना, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अब क्या बोला आपको इसने कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या निकालना सीखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद है पढ़ा था हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जिसकी स्किप हो गई है वो वीडियो आई बटन को क्लिक करो और फटाफट से देखो। ठीक है, अब क्या बोला हमने, अब की बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के दे दो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। डाइपोल बनाया, चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना। अब बात आई एक्सियल, एक्सियल का मतलब ऑन द एक्सिस, सेम एक्सिस पे अगर हम बात करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, एक्सियल। सेम एक्सिस पे बात करते तो उसको क्या नाम बोलते हैं, एक्सियल। तो ये क्या हो गया, पी पॉइंट, पी पॉइंट हमारे पास किस पे है, एक्सिस पे है। हमें क्या करना है, फिर हमें पी पॉइंट पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से भी, इस चार्ज की वजह से भी। तो हमने क्या देखा, ये दूर है हमसे, ये पास है, तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा, जो पास है, वेरी गुड। यहाँ पे इफेक्ट किसका पड़ रहा है, इसका, जैसे हमने क्या पढ़ा था, बैक बेंचर्स वाला एग्जांपल, लास्ट में जो बच्चा है बैक बेंचर है, बैक बेंचर्स हो गया आप लोग, तो बैक बेंचर्स क्या करते हैं, सिर्फ मस्ती, पर अभी हम लोग क्या बन रहे हैं, फर्स्ट बेंचर्स बन के पढ़ाई। तो पढ़ाई में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पी पॉइंट इसके पास है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा। अब बात आई पॉजिटिव चार्ज है, पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, रेडली आउटवर्ड्स, पॉजिटिव चार्ज में क्या पढ़ा था, रेडली आउटवर्ड्स। तो पी पॉइंट से कहां पे चला जाएगा, ये हमने मान लिया सेकंड वाले चार्ज की वजह से ई टू। अब फर्स्ट वाला तो भाई दूर है, दूर है तो थोड़ा कम इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, दे दिया। अब क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव है तो क्या करेगा, रेडली इनवर्ड्स, इनवर्ड्स किया और छोटा एरो बना दिया हमने। छोटा एरो क्यों बनाया, क्योंकि ये हमसे दूर था और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। भाई कई बार ये बुक्स में बना होता है, बच्चों को डाउट होता है एक एरो बड़ा क्यों, एक एरो छोटा क्यों, हम तो दोनों इक्वल बनाएंगे। तो आपके पास एक रीजन है इसका कि एरो बड़े या छोटे क्यों बन रहे हैं, समझ आया ना सबको। बड़ा क्यों बना, क्योंकि वो पास था, छोटा क्यों बना, क्योंकि वो उससे दूर था, दूर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी, कम थी तो हमने बना दी। अब हमें क्या करना है, इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। सबसे पहले कंसीडर किया एक डाइपोल था ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस टू ए, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस टू ए। वी हैव टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अब एक बड़ा एक छोटा, क्या कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन, ई टू माइनस ई वन, है ना, वैसे तो प्लस करते बट अभी हमें क्या करना पड़ा, अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ प्लस माइनस ई टू माइनस ई वन हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबको निकालनी आती है, चलो यहाँ छोटा सा निकाल दो वापस से। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था,
के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही सीखा था। आप सबसे पहले लिखेंगे ई टू, इसकी वजह से, टू की वजह से और फर्स्ट की वजह से, टू की वजह से देखो क्या होगा, ई टू है ना। के को क्या बोलते हैं अपा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। आर, आर क्या था वहां पे, डिस्टेंस बिटवीन देम, टू की वजह से पी का डिस्टेंस कितना, ये तो इतना आर है ना, हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है ए, तो ये छोटू क्या बच जाएगा हमारे पास, आर माइनस ए, वेरी गुड, छोटा क्या बच गया हमारे पास, आर माइनस ए, ये पूरा आर था, पूरे में से ये हमने हटा दिया, तो इतना कितना बच गया हमारे पास, आर माइनस ए, तो डिस्टेंस कितना लिखेंगे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर है ना। अब ऐसे इवन निकाल दो, इवन क्या हो जाएगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब क्या है, यहां से निकालना है, यहाँ पे तो ये आर भी है और सेंटर से आगे वाला भी पोर्शन है, सेंटर से आगे वाला पोर्शन ए, तो क्या बन जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, निकाल दिया जी हमने, तो क्या निकाला था आपने, ई टू बी और इवन बी, ई टू बी आ गया, इवन बी आ गया, कैसे निकाला, सिर्फ इनका डिस्टेंस देख लिया, ये पूरा आर था, ये ए था, तो ये कितना बच गया, आर माइनस ए, ये कितना बच गया, इसमें ए को एड करना पड़ा, तो आर प्लस ए, कर दो जी, डायग्राम बनाएंगे तो आपसे अपने आप हो जाएगा। ई की वैल्यू, ई टू बोलो कितना है, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इतना तो सबको आ गया। अब सब कहेंगे तो कॉमन दिख रहा हमें कुछ ना कुछ, चलो जी फिर कॉमन कर देते हैं, कॉमन क्या है, क्यू अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कहेंगे अंदर क्या रह गया, चलो तुम लोग, अंदर क्या रहा, वन अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ तक हमारी फिजिक्स का काम खत्म, अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स को ऐड कर देंगे है ना, क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या आ गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये तो हमें एक फॉर्मूला आता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर तो चल ही रहा था है ना जी। अब कर देते हैं इसका एलसीएम लेने के बाद सॉल्यूशन, क्या करेंगे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इधर से प्लस वाला खत्म, तो यहाँ क्या बच गया, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इधर क्या आ गया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, वेरी गुड। आगे ना इतनी बात सबको, सिर्फ हमने क्या करना है एलसीएम, अब इसको सोल्व कर दो, क्यू अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इधर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, नीचे तो वही सेम है हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया, कैंसिल कैंसिल, क्या बच गया, टू ए आर प्लस टू ए आर, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो तो क्या बन गया हमारे पास, फोर ए आर क्यू अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला। बट आप कहोगे डाइपोल का तो यूज किया ही नहीं, अब करेंगे हम किसका, डाइपोल का यूज। डाइपोल क्या था आपके पास, P इक्वल्स टू क्यू इंटू में टू ए, पी की वैल्यू क्या थी, Q इंटू में टू ए, तो इसको हम क्या कर देंगे, Q, फोर को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू, फोर को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू, तो टू क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, P, फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, P A R अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, पी ए आर, सॉरी टू, टू भी तो रहा था, टू पी ए आर
मेरे पास क्या है, शॉर्ट डाइपोल है। तो देखते हैं अब क्या होगा। तो अभी तक क्या देख रहे थे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आया था Q इंटू टू ए टू आर, Q इंटू टू ए को हमने लिख दिया था P, क्या लिखना था P, तो 2P, A हट गया, R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर, इतनी चीज आ गई। अब क्या करना है, हमने कंडीशन लगानी है फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि भाई डाइपोल शॉर्ट है तब क्या करना है, तब हमने क्या करना है, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल क्या होगा, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल हमारे पास, शॉर्ट डाइपोल मतलब डिस्टेंस छोटा, किससे, आर से, डिस्टेंस छोटा मतलब नेग्लिजिबल, ए को हम क्या कह देंगे ऑलमोस्ट जीरो, तो ई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2πr 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हो गया जीरो, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, 2πr 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 4, एक से एक कैंसिल, तो क्या बच गया अपने पास 2π 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2kp अपॉन में आर क्यूब। ये हमारे पास क्या है, पूरा रिजल्ट आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट ये था आपके पास ऑन एक्सियल पॉइंट। अगर आपको बोल दे एक शॉर्ट डाइपोल के लिए निकालो, किसके लिए निकालो, शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो हम कंडीशन लगा देंगे, ए को जीरो रख देंगे, ए को जीरो रखते ही हमारे पास क्या आ जाएगा 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, या फिर क्या लिख देंगे 2kp अपॉन में आर क्यूब। ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आगे समझ आप लोगों को क्या था ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो इसके बाद आता है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। यस, तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपके पास क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल क्या होता है। ठीक है, जिस जिसको आंसर आ गया है फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपने मेंशन करना है, क्या मेंशन करना है, आइडियल डाइपोल क्या होता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपने क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसको बार बार देख के अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो साथ ही साथ आपकी कोई भी अपडेट्स ना छूटे तो क्या करना है, एक नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। थैंक यू।